अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हसीना। तो आज मैंने लौकी का खीर बनाकर रेडी किया है, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी घर पर इसे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज लाइक करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बनाने के लिए हम लेंगे लौकी, लेंगे ये 800 ग्राम लौकी है। और यहाँ पर मैंने साबुदाना ली हूँ एक कटोरी, जो एक घंटा पहले मैंने भिगा कर रखा है। और लेंगे हम ड्राई फ्रूट्स, लेंगे बादाम, काजू और ये चारुली, पिस्ता और इलायची पाउडर लेंगे, शक्कर लेंगे आपके टेस्ट के हिसाब से। और अगर आपके पास अवेलेबल है मलाई तो ये देखिए मलाई लेंगे, अगर आपके पास है तो ले सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। दूध लिया है मैंने, इसका मैं रबड़ी बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से लो फ्लेम पे आधा लीटर दूध को हमें पाव लीटर दूध बनाना है। और इस तरह से हम चलाते हुए मलाई ऐसे साइड से निकालते हुए बना लेंगे। और इसे हम 2 चम्मच शुगर ऐड करेंगे और इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया हुआ है, जो मैंने गर्म करने के लिए रखी हूँ। जब ये दूध गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हम लौकी को छील कर कद्दूकस कर लेंगे। पहले नहीं करना है, नहीं तो फिर ये काला पड़ने लगता है। जैसे ही हम कद्दूकस करके लेंगे तुरंत हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से छील कर अच्छे से धो लिया है मैंने, ये देखिए। अब हम इसे बीच में से चीरेंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आपका ये दूधी कौला है तो आप इसको पूरा ले सकते हैं, अगर ये ज्यादा जूना है तो आप इसको बीच में से निकालना है आपको। लेकिन ये मेरा काफी अच्छा है, कौला है तो मैं इसको सब लेती हूँ। तो अब मैं ये देखिए इसको अभी ग्रेट करके लेना है हमें इस तरह से। तो ये देखिए सारा हो गया है कद्दूकस करके। तो इसको हमें पानी निकाल लेना है, इस तरह से दबा के अपने हाथों को अच्छे से साफ करके लेना है। पहले पानी निकालना है इसका, ये प्रोसीजर बहुत जरूरी है, नहीं तो कद्दू जो है कड़वा लगता है। और जैसे ही कद्दू हम ग्रेट करेंगे तुरंत हमको बनाना स्टार्ट करना है, नहीं तो ये तुरंत काला पड़ने लगता है। ये देखिए सारा पानी निकाल लिया है मैंने। तो चलिए अब इसे जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए हमारी रबड़ी भी रेडी है और हमारा दूध भी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो साबुदाना भिगोया था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम बॉईल करके लेंगे। और साइड में हम कद्दू को स्टर करके लेना है। ये देखिए कद्दू को हमें इस तरह से पहले इसका पानी और भी सॉटे करके लेना है, सुखा कर लेना है। और इसमें हम 2 से 3 चम्मच घी ऐड करेंगे। ये देखिए 1 चम्मच, 2 और 3 चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। साइड में हमारा साबुदाना भी पक रहा है। ये देखिए किस तरह से काला पड़ने लगा है। तो जैसे ही आप कद्दू पीसेंगे, ग्रेट करके लेंगे, तुरंत आपको इसको गैस पे चढ़ा लेना है, नहीं तो ये बहुत ही काला हो जाता है। तो इस तरह से हम इसका सारा पानी और भी सुखा कर लेंगे। हमारा कद्दू हो रहा है और साइड में हमारा साबुदाना भी बॉईल होने आया है, तो इसे भी हम चला लेते हैं। ये देखिए साबुदाना भी हमारा पक चुका है, थोड़ा व्हाइट दिख रहा है। जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हमें इसे पका कर लेना है। तो अब हम इसमें दूध भी ऐड करेंगे इसी में, क्योंकि पानी पूरा सूख रहा है इसलिए मैं दूध इसमें ऐड कर देती हूँ। मलाई के साथ ही लेना है हमें। तो ये देखिए मैं सारा दूध इसमें डाल देती हूँ 1 लीटर। इसको हम अच्छे से चला लेंगे अभी। अब हम डालेंगे इलायची पाउडर साबुदाने में और थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, बाकी के ड्राई फ्रूट्स हम गार्निश के लिए रखेंगे। इसको
चला कर लेना है अच्छे से। ये देखिए हमारा कद्दू लौकी भी अच्छे से हो रहा है। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में लौकी की बर्फी डाली हूँ, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगी, तो आप उसे भी जरूर देखना। तो जो मैंने मलाई लिया है उसको हम अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे। तो ये देखिए मलाई जो मैंने लिया है उसको अच्छे से फेंट लेना है, और उसे भी हम इसी में डाल देंगे साबुदाने में। देखिए इस तरह से ये खीर और भी टेस्टी होती है। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डालिए। और जो मैंने रबड़ी तैयार की है वो भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसमें कंडेंस मिल्क यानी कि मिल्क वेट भी डाल सकते हैं, या नहीं भी रहेगा तो वो भी ऐसे भी ये खीर बहुत अच्छी लगेगी। तो अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, आपका टेस्ट के हिसाब से आप शक्कर ऐड करना। तो करीब 5 मिनट हमें इसी तरह से भूनना है। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको इसमें ट्रांसफर कर लूंगी। देखिए देखा कितना आसान है कद्दू का खीर बनाना, तो आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए। देखिए बहुत ही टेस्टी। तो अब मैं इसमें मैंने जो रबड़ी बनाई थी वो ऐड करूंगी। तो ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगती है। देखिए अगर आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है क्योंकि कद्दू ग्रीन होता है, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर ऐड किया है। तो ये आपके ऊपर है, आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, वरना ऐसे भी ये बहुत अच्छा दिखता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बनकर तैयार है लौकी की खीर। अभी कम से कम इसे हम 2 से 3 मिनट और पका लेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप चाहे तो इसे गर्म या फ्रिज में रखकर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये साइड साइड में जो लगा है ये जरूर निकालना, क्योंकि ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं अभी इसे सर्व करती हूँ। तो देखिए बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी अच्छी लगती है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए।